हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारी नोट्स कैसी बननी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम टाइम पे आप लोगों के पास प्रॉपर नोट्स होना और उसको हम किस तरीके से समझेंगे वो भी मैं बताऊंगा। बेसिकली गाइस, ये मेरी नोट्स है। जब भी कभी मैं तैयारी करता हूँ तो मैं बहुत सारे रजिस्टर्स लेकर के नहीं चल सकता कि ये इस सब्जेक्ट का रजिस्टर है, ये इस सब्जेक्ट का है, ये सब्जेक्ट का है। आप पूरा पोथा लेके नहीं चल सकते, पोथी लेकर के नहीं चल सकते। तो इसके लिए मेरे पास है ये मेरी नोट्स, और आप बिलीव करिए ये पूरे डिपार्टमेंट दैट इज एक स्ट्रीम की नोट्स है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ, तो ये पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में साथ में लेके चलता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी नोट्स है तो मैं नोट्स में आपकी पूरी कहानी नहीं लिखूंगा। अगर आप इसको देख पाए तो ये जो नोट्स मैंने बनाई है इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे लगते हैं मेरे एग्जाम में आ सकते हैं। और अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को बता दूं कि कई बार क्या होता है, आपने जैसे कि कुछ नोट्स बनाई, अब नोट्स बनाने के बाद भी आप देखेंगे कि कोई एक टॉपिक था जो अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है लेकिन उससे नहीं बना, मेरी नोट्स भी बन चुकी। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से खाली पेजेस लेता हूँ और खाली पेज में लिख लेता हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट पेज हुआ जिसमें भी मुझे लगता है कि मुझे कोई भी चीजें ऐसी जो इम्पोर्टेंट है तो मैं इस तरीके से लिख करके रख लेता हूँ, पूरा लिख करके ऐसे रख लिया। और जब भी कभी मुझे रिवाइज करना है मैं रिवाइज कर सकता हूँ। ये मेरी एक कॉपी एक बुक में मतलब एक बैग में आ जाती है। इन द सेम मैनर अभी आप देखें तो इसमें पार्टीशन भी इस कॉपी में, मतलब ये उठाया तो एक दूसरा सब्जेक्ट, अब मैंने यहाँ से उठाया तो एक दूसरा सब्जेक्ट, फिर मैंने और चेंज करा तो ये दूसरा सब्जेक्ट। ये देखें हर जगह आप लोगों को सारी की सारी नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब हर जगह मैंने पेजेस भी ऐड करके रखे हुए हैं, और हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, आपकी बहुत अच्छी बनी बनाई नोट्स मिलेंगी। अब नोट्स में चार चीजें हैं जो आपको ऐड करनी है। बेसिकली नोट्स जब भी कभी हम बनाते हैं तो वो नोट्स कैसी होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहला फंडा, जब भी कभी आप नोट्स बनाइए तो उसमें सारी थ्योरी नहीं लिखनी है, राइट। यूज करिए डायग्राम्स का, यूज करिए एरो का। कोई भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपसे आपके PYQs में नहीं पूछी जा रही, आपने देखा होगा, अगर पूछी भी जाएगी तो बंदी हर को ऑप्शंस पूछेगा। तो डेफिनेशन के जो कीवर्ड्स हैं उनको आपको अपनी नोट्स में डालना है। दूसरी चीज, जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आपको अपनी नोट्स में डालना है। थर्ड पॉइंट, जब भी कभी आप अपनी नोट्स बनाइए तो ये सोच करके मत बनाइए कि मुझे किसी और को नोट्स दिखाना है, बल्कि ये सोच करके बनाइए कि ये नोट्स आपकी हैं, आपको समझना है, आपके कीवर्ड्स, आपके जितने भी ट्रिक्स और टिप्स हैं वो सारी चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। जो टॉपिक आपको टफ लगता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पावर प्लांट इंजीनियरिंग टफ लगती है, अगर उसमें कोई एक टॉपिक है जो आपसे बहुत ज्यादा टफ है, मुझे समझ नहीं आता इस टॉपिक को क्या करूँ, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके नोट्स में होने चाहिए। जो चीजें आप बार बार भूल जाते हैं वो टॉपिक आपका आपके नोट्स में होना चाहिए। और अपने नोट्स को बहुत बड़ा नहीं बनाना, जितना ज्यादा से ज्यादा छोटा कर सके आप अपने नोट्स को उतना अच्छा होगा। अब ये नोट्स हैं, इस नोट्स को लेकर के मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, जब भी कभी मुझे रिवाइज करना हुआ, जिस भी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है वैसे मैं इसको रिवाइज कर सकता हूँ, और इन नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए। अलॉन्ग विद दैट गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरी नोट्स है। इस तरीके से आप दूसरी नोट्स भी बना सकते हैं, आपकी अपनी नोट्स बना सकते हैं, टेक्निकल की अलग नोट्स बना सकते हैं, नॉन टेक्निकल की अलग नोट्स बना सकते हैं। जो भी आप लोगों को बनाना है कोशिश करिएगा वो नोट्स बहुत बड़ी ना हो, एक छोटी कॉपी में जो थोड़ा सा मोटी होगी चलेगा, लेकिन आपकी सारी नोट्स एक ही कॉपी में आ जाए, क्योंकि इसको आपको हमेशा अपने साथ रखना है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप कहीं बस में बैठे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, आप बस अपनी कॉपी को खोलिए और अपनी नोट्स देखना शुरू कर दीजिए। एग्जाम के पहले भी ये नोट्स बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं इस पूरी की पूरी नोट को एक से दो घंटे में रिवाइज कर सकता हूँ। 9 बजे से अगर मेरा पेपर भी है तो भी मैं 7 बजे बैठूंगा तो पूरी की पूरी नोट्स को रिवाइज कर लूंगा। और जब भी कभी मुझे रिवाइज करना हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा इसको चेंज करूंगा, देखो मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नोट्स बंद करा, मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, मैं खोलूंगा, मैंने सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से शुरू करा था, देखिए मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देख रहा है। मुझे कुछ भी पढ़ना है, मुझे आईसी इंजन पढ़ना है, मैं अपनी नोट्स खोलूंगा और देखिए मुझे आईसी इंजन देख रहा है। मतलब मुझे पता है, मैंने हर जगह चिट्स वगैरह लगा करके रखी हुई है कि किस पेज में कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मैं सीधा उठाऊंगा और उस सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू कर दूंगा। जब भी आप अपने एग्जाम में जाएंगे आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो आप अपनी नोट्स ऐसी ही बनाइए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, कोई कहानी नहीं हो, और आपकी लैंग्वेज में लिखी हुई नोट्स होनी चाहिए, क्योंकि समझना आपको है। तो इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाता रहूंगा जिससे आप लोगों के एग्जाम में आपको मदद मिलेगी।
सो गाइस मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, और उसमें इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग सेशंस आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में गुलाबी रंग के साथ बताइएगा कि आपको ये नोट्स कैसी लगी। और ऐसे ही नोट्स बनाने के लिए आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, उसका आंसर जरूर देगा। ऑल द बेस्ट।